इस बार की जो पौष पूर्णिमा है वो कल के दिन है, यानी कि 17 जनवरी सोमवार के दिन पड़ रही है। और ये दिन इतना ज्यादा खास है कि इस दिन ऐसी खास क्रियाओं को किया जाता है जिससे सभी संपूर्ण मनोकामनाएं तुरंत ही पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी खास क्रिया के बारे में बताएंगे जो खास करके पूर्णिमा पर ही की जाती है और इसको करते ही तुरंत ही मनोकामना भी पूरी हो जाती है। तो अगर आपके मन में कोई ऐसी मनोकामना है जिसे आप काफी लंबे समय से सोच रहे हैं और वह मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस वीडियो में बताए हुए प्रयोग को आप एक बार करके देखें, क्योंकि जैसे ही इस प्रयोग को आप करेंगे तुरंत ऐसे योग बनते हैं कि जो भी मनोकामना आप बोलेंगे वह बहुत अच्छी तरह से जल्दी से पूरी हो जाती है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखकर इस क्रिया को समझ लें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके भगवान शिव को नमस्कार करके ओम नमः शिवाय अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आपको हमेशा ही प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्णिमा का जो दिन होता है वह पूरा चांद वाला दिन होता है, यानी कि पूर्ण चांद होता है। वैसे तो ये दिन सम्मोहन के लिए, आकर्षण के लिए बेहद खास है, लेकिन काफी लोग ऐसे होते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती है। तो आपको बता दें कि मनोकामना पूर्ति के लिए भी पूर्णिमा का दिन काफी अच्छा होता है। तो सबसे पहली क्रिया तो यही है कि आपको पूर्णिमा के दिन, यानी कि कल के दिन जो सोमवार के दिन पड़ रही है, इस दिन आपको शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर किसी भी शहद से ओम अपनी रिंग फिंगर से लिखना है। अब दोस्तों, आपको सबसे पहले शहद लेना है, उसके बाद शिव मंदिर में जाकर अपनी सिर्फ रिंग फिंगर का ही इस्तेमाल करना है और किसी भी शिवलिंग पर ओम लिखकर माँ पार्वती आप लिख दें। ऐसा लिखते हुए बस अपनी मनोकामना आप शिवलिंग के सामने बोल दें और उसके बाद एक लोटा जल आप चढ़ा दें। ऐसा करते ही तुरंत आप अपने घर आ जाएं। और इस बात का ध्यान रखें कि जब ये क्रिया को आप करेंगे तो बीच रास्ते में आपको ना तो किसी से बात करनी है और ना ही किसी के सवालों का जवाब आपको देना है, यानी कि कोई भी टोके, कोई भी रोके, तो आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। सीधा शिवलिंग पर यह क्रिया को करके अपने घर भाग कर आ जाना है। आपको ये भी बता दें कि जब आप इस क्रिया को करेंगे तो ऐसे योग बनते हैं, क्योंकि जो अदृश्य शक्तियां होती हैं, जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वह चाहती हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो ही ना। तो इसीलिए वो ऐसे योग बनाती हैं कि जो नकारात्मक लोग होते हैं वो आपको रोकते हैं, टोकते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं। तो बस आपको करना सिर्फ इतना है कि आप उनकी तरफ देखें और चुपचाप अपने घर आ जाएं। आपको किसी के भी सवालों के जवाब नहीं देने हैं। जैसे ही आप तुरंत इस पूर्णिमा के प्रयोग को करेंगे कल के दिन, यानी के शिव मंदिर में जाकर इस प्रयोग को करेंगे, जो भी मनोकामना आप वहां पर बोलकर आएंगे वह तुरंत पूरी होती है, यानी के ऐसे योग बन जाते हैं कि वह इच्छा पूरी होती ही है। तो जिन भी लोगों के मन में ऐसी इच्छाएं हैं जो काफी लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो इस सरल से प्रयोग को कल के दिन अवश्य ही कर लें। अब दूसरी चीज ये है कि काफी लोगों के जीवन में शत्रु होते हैं, तो शत्रुओं से मुक्ति प्राप्ति के लिए आपको केवल इतना करना है कि किसी भी भगवान हनुमान के मंदिर में जाकर आपको 5 लौंग अपने साथ लेकर जाना है, 1 बताशा भी लेकर जाना है, और ये सभी चीजें आपको भगवान हनुमान के ऊपर चढ़ा देनी है, यानी कि उनके मंदिर में जाकर चढ़ा देनी है। उसके बाद भगवान हनुमान की मूर्ति का सिंदूर लाकर ये सिंदूर आप अपने माथे पर लगा लें और अपने शत्रु का नाम लेकर इस प्रकार यह मंत्र 11 बार बोल दें, यानी कि 11 माला इस मंत्र की आपको पूर्णिमा के दिन बोलनी है। ये मंत्र इस प्रकार है, ओम शत्रु नाशाय फ्रोम हनुमताय राम दूताय फट। बस इस प्रकार इस मंत्र की 11 माला आप बोल दें। जिस भी शत्रु का आप नाम लेंगे वह बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा, वह आपके रास्ते से हट जाएगा। जितनी भी साजिश वह करेगा आपको परेशान करने के लिए, बिल्कुल भी आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। तो इस प्रकार पूर्णिमा के दिन ये 2 खास प्रयोग करके आप अपने जीवन में लाभ उठाएं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।